फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस बाइक है और ये बाइक BS4 है। और यहाँ पर अगर बात कर ले किलोमीटर का तो देखिए यहाँ पे शायद कैमरा में दिख जाए 18,310 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है। अभी तक इस बाइक का एक बार भी इंजन फ्लश नहीं हुआ है। बाइक का इंजन को अंदर से करने वाले फ्लश अंदर से करेंगे क्लीन इंजन शैम्पू डाल करके। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले बात कर ले थोड़ा आपको बाइक का नंबर प्लेट भी दिखला रहा है। बाइक जो है काफ़ी दूर से चल कर के आया है, एक तरह से मान लीजिए तो ये बाइक इंडिया से बाहर से ही चल के आया। हम लोग मेरा जो वर्कशॉप है वो नेपाल के एक तरह समझिए बॉर्डर पे है, यहाँ से बॉर्डर समथिंग 15 किलोमीटर दूर है। तो आपको हम थोड़ा नंबर प्लेट इसका दिखला रहे, देखिए यहाँ पे ये जनकपुर से बाइक चल कर के आए, नेपाल का नंबर प्लेट है। आप नंबर प्लेट से भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं बाइक इंडिया का नहीं नेपाल का बाइक है। और इस बाइक में बहुत ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जो काफ़ी मैकेनिक को दिखाने के बाद इस बाइक का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। तो भाई साहब जो है सो मेरे वर्कशॉप पर आया मेरा वीडियो देखने के बाद। फ्रेंड्स चलिए आपको हम इस बाइक को इंजन को अंदर से फ्लश करके दिखला रहे हैं। इस बाइक में दो चार जो प्रॉब्लम था, बाइक मिसिंग कर रहा था, बाइक झटका दे रहा था, टोटल प्रॉब्लम सोल्व हो गया। और इस बाइक का जो क्लाइंट है कस्टमर है बोला कि मुझे बाइक मेरे बाइक का अंदर से इंजन को थोड़ा फ्लश कर दीजिए। चलिए आपको हम इंजन शैम्पू से इंजन को फ्लश करके आप लोगों को दिखला रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए ये इंजन शैम्पू है कैस्ट्रोल कंपनी का और ये 300 ml का बॉटल है, लेकिन इसे हम 300 ml नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम यूज करेंगे 50 ml। 50 ml किस तरह से यूज करना है आपको बता रहे थे। इंजन ऑयल को चेंज करने से पहले आपको, जैसे कि मान लीजिए इंजन ऑयल चेंज करना है, तो इंजन ऑयल निकालने से पहले जो बाइक के अंदर पुराना इंजन ऑयल है उसी इंजन ऑयल में इसमें से 50 ml नाप करके स्टिफी को खोल करके इसके अंदर डाल देना और बाइक को स्टार्ट करके 2 मिनट स्टार्ट करके छोड़ देना है। वैसे ही थोड़ा थ्रोटल देना, बिल्कुल थोड़ा, ताकि बाइक का थोड़ा रेस बढ़ जाए। थोड़ा थ्रोटल दे करके स्टार्ट करके 2 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद 1 मिनट वेट कर लेने के बाद आपको इंजन से इंजन ऑयल बाहर निकाल। चलिए आपको हम 50 ml इंजन शैम्पू को इस इंजन के अंदर डाल रहे हैं। चलिए स्टेपी को हम खोल लेते हैं, फटाफट से बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए 100 ml का एक डब्बी है, जार है यहाँ पे, तो इसमें हम 50 ml ही इंजन ऑयल डालेंगे। इंजन शैम्पू हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 50 ml डालेंगे। हाथ का नीचे करवा, 50 ml इंजन शैम्पू हम डाल रहे हैं इसके अंदर। 50 ml हो गया। अब चलिए हम इसको इंजन के अंदर डाल दें, जो पुराना इंजन है उसी में इसको मिक्स कर देना है। हम डाल दिए, अब क्या करना है बाइक को स्टार्ट करके 2 मिनट छोड़ देना है। बाइक अभी स्टार्ट है, बाइक को आपको थोड़ा एक्सीलेटर दे करके 2 मिनट तक स्टार्ट करके रखना है। फ्रेंड्स देखिए 2 मिनट मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बाइक को स्टार्ट किया हुआ। अब हम देखिए 2 मिनट इसलिए स्टार्ट करके छोड़ देता है कि इंजन ऑयल में जो इंजन शैम्पू जो मिक्स किया है, बाइक को चलने के बाद इंजन ऑयल में जो मिक्स होगा, इंजन के अंदर जो भी कचरा होगा टोटल को वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगा। और जब भी हम इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे तो इंजन ऑयल के साथ जो भी कचरा होगा इंजन के अंदर टोटल बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग इंजन ऑयल में इंजन शैम्पू को मिक्स करके बाइक को अच्छा से इंजन को क्लीन कर देते हैं अंदर से, ताकि इंजन अंदर से जब अच्छा से क्लीन रहेगा तो इंजन का लाइफ भी बढ़ जाएगा और बाइक का इंजन जल्दी खुलवाने का नौबत नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं इसको क्लीन कितना किलोमीटर पे करना चाहिए, इंजन को अंदर से कितना किलोमीटर पे फ्लश करना चाहिए, तो प्रत्येक 10 से 12 हज़ार किलोमीटर पे एक बार इंजन को अंदर से फ्लश करना है प्रॉपर अच्छा तरीका से। तो यहाँ पे देखिए बाइक को हम बंद कर लिया है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे। देखिए इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है और इंजन ऑयल का आप कलर देखिए कितना ब्लैक हो गया। इंजन ऑयल मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चल गया और इंजन के अंदर जो भी कचरा था वो भी इंजन ऑयल में मिक्स होकर के इसके साथ आ गया, इसलिए इंजन ऑयल का कलर जो है सो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पड़ रहा है। इंजन ऑयल का आप देख रहे कलर, इंजन ऑयल बाहर निकलना बंद हो गया, बूंद बूंद करके बाहर निकल। अब क्या करेंगे हम बाइक को थोड़ा लेफ्ट साइड में टेढ़ा करेंगे इस तरह से, देखिए लेफ्ट साइड में थोड़ा टेढ़ा किया बाइक को। देखिए फिर से इंजन ऑयल थोड़ा बाहर निकल, देखिए आप इस तरह से थोड़ा लेफ्ट साइड में बाइक को टेढ़ा करना है, उसके बाद थोड़ा राइट साइड में टेढ़ा करना है, ताकि इंजन के अंदर जो भी इंजन ऑयल होगा टोटल बाहर निकल। देख रहे थोड़ा लेफ्ट राइट टेढ़ा करके इंजन के अंदर से बूंद बूंद करके पुराना इंजन ऑयल को बाहर निकाल देना है। इंजन ऑयल बाहर निकालना बिल्कुल बंद हो गया, अब इंजन ऑयल बाहर नहीं निकल रहा इंजन से। अब हम इस नट को प्रॉपर टेंट कर लेंगे अच्छा तरीका से, उसके बाद इसके अंदर हम नया इंजन ऑयल डाल देंगे।
तो फ्रेंड देखिए नट को हम प्रॉपर टाइट कर लिया, इंजन के अंदर हमने नया इंजन ऑयल भी डाल दिया है। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं इंजन के साउंड कैसा है, क्योंकि इंजन फ्लश करने के बाद साउंड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए आप इंजन को फ्लश करने के बाद इंजन का साउंड देख लीजिए कि बिल्कुल नया जैसा इंजन का साउंड हो गया। मैंने बताया कि हीरो का ही बाइक है, हीरो का है, टीवीएस का है, यामाहा का है, बजाज का है, जो भी बाइक है उन सभी बाइक को आप इंजन को प्रत्येक 10 से 12,000 किलोमीटर पर इंजन को अच्छा से फ्लश करना चाहिए ताकि इंजन का साउंड प्रॉपर सही रहेगा, माइलेज सही रहेगा, क्लच प्लेट जल्दी खराब नहीं होगा, टाइमिंग चेन जल्दी खराब नहीं होगा, कैम शॉफ्ट जल्दी खराब नहीं होगा। ये सब स्टेप आप प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तो आपको इंजन प्रॉपर मेंटेन में रहेगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर इंजन के रिलेटेड या बाइक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।